नमस्कार आदाब सत श्री अकाल बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंजन सड्डा पर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करूंगा हर मेरा भाई खुश होगा, मजे में होगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज है आपका पार्टनरशिप पार्ट टू। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी बिकॉज माई हेल्थ वॉज नॉट गुड टू यस्टरडे, डैट इज़ वाई। सो आज हम सीखेंगे परसेंटेज कह रहा हूँ, पार्टनरशिप पार्ट टू। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब ये देख लो, ये लॉकडाउन स्पेशल फ्लैट 25% डिस्काउंट प्लस 5% एक्स्ट्रा ऑन ऐप। ध्यान रखिएगा बच्चों, इससे अच्छा ऑफर नहीं मिल पाएगा आपको। फ्लैट 25% प्लस 5% एक्स्ट्रा ऑन ऐप। ओके, अगर आप ऐप के थ्रू डाउनलोड करते हो, ऐप को डाउनलोड करते हो, ऐप के थ्रू चीज़ को परचेज करते हो, कोई किसी भी कोर्स को, 25% के साथ साथ 5% और आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, डिस्काउंट। तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। तो क्या क्या मिलने वाला है? मापैक्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स एंड वीडियो कोर्सेज। क्या कोड लगाएंगे? LD25 लगा दो या फिर आप क्या लगा दो, U195। विजिट का करना है adda247.com। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो भाई देखो, देखो मेरी बात समझो। तो हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने पहले क्लास में, हमने जब पहला सेशन में आपके 7 क्वेश्चन हो चुके थे, 8 क्वेश्चन के साथ मैं आपके पास लेके आया हूँ, और एक एक करके पार्टनरशिप के सारे क्वेश्चन सीखेंगे। और बच्चों, पार्टनरशिप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एक आप देखो जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, ध्यान से सुनना। थ्री फ्रेंड्स एबीसी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन द रेशियो 4:5:6। आफ्टर 6 मंथ्स सी विड्रॉल हाफ ऑफ हिज कैपिटल। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? इफ द सम इन्वेस्टेड बाय ए 36,000। मेरी बात समझ रहे हैं? 36,000। फाइंड द प्रॉफिट अर्न बाय सी आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट इज 60,000। देखो बेटा, मेरी बात समझो, तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया और आपको किसका प्रॉफिट निकालना है? सी का प्रॉफिट निकालना। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है? कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो मुझे बस एक चीज़ बताइए, अगर मैं एबीसी की बात करूं तो एबीसी का कैपिटल रेशियो तो ऑलरेडी आपको निकला दे रखा है। इन्वेस्ट का रेशियो जो है 4:5:6 है ना। ठीक है, 6 महीने के बाद सी ने कितना पैसा निकाल लिया? हाफ ऑफ द कैपिटल निकाल ली। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे एक चीज़ बता दो बस आप, जो ए और बी के बारे में तो कोई बात नहीं की गई, तो ए और बी का तो पैसा तो पूरे 12 महीने लगा होगा। क्या मैं इसको कह सकता हूँ, ए का जो 4 रुपये है वो पूरे 12 महीने लगा रेशो, जो बी के 5 रुपये हैं वो पूरे 12 महीने लगा रेशो, सी ने 6 महीने के बाद कितनी कैपिटल विड्रॉल करी? हाफ ऑफ दिस कैपिटल। तो जो सी के 6 यूनिट है, 6 यूनिट 6 महीने के बाद विड्रॉल कर रहा है ना हाफ कैपिटल, तो 6 रुपये जो है वो तो 6 महीने लगे, प्लस जब हाफ विड्रॉल कर रहा है, जब 6 यूनिट में हाफ निकाल रहा है तो कितना बचा? 3, वो अगले 6 महीने और लगे। समझ में आया बच्चों? तो अगर मैं इसके प्रॉफिट का रेशियो देखूं तो ये हो जाएगा 48, 12×5=60, और ये देखो देखो 36 और 18, 36 36 प्लस 18 54। समझ में आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, इसको छोटा छोटा कर दीजिए। ठीक है, 3 के टेबल से 16, 20 एंड 18, फिर 2 के टेबल से 8, 10 एंड 9। ठीक है विद्यार्थियों, अब आप देखो क्वेश्चन आपसे, ये बताओ एबीसी का टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? एबीसी का टोटल प्रॉफिट रेशो में 8, 10 और 9, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया आपका? 1727। तो 27 यूनिट की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 60,000 को। बोलो बच्चों, और आपसे किसका पूछा जा रहा है? सी का प्रॉफिट पूछा जा रहा है। सी का प्रॉफिट कितना? 9। तो 9 यूनिट वैल्यू किसके बराबर होगी? 60,000 अपॉन 27 मल्टीप्लाई 9। इसको काटा 3 बार, इसको काटा 20, कितने? 20,000। तो सी का प्रॉफिट कितना होगा? 20,000। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दोबारा सीख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, लेकिन दोबारा सीख लेते हैं एक बार। देखो, आपको पहले बात तो इस इन्फॉर्मेशन की कोई नीड नहीं है, क्योंकि आपको कैपिटल से तो मतलब नहीं, आपको तो प्रॉफिट से मतलब है। कैपिटल का रेशियो दे दिया 4:5:6, लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आगे देखो, 6 महीने के बाद सी ने
हाफ ऑफ द कैपिटल विड्रॉल कर ली, 6 महीने की बात करिए ना सी ने। तो सी के जो 6 यूनिट था पहले वाला, वो 6 महीने तक लगा, जब हाफ निकाल ली तो कितना बचा, 3 कैपिटल बची, वो कितने महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए। ए और बी ने कोई कैपिटल नहीं निकाली, इसका मतलब ए के जो 4 यूनिट है वो 12 मंथ्स के लिए, और बी के जो 5 यूनिट है वो भी 12 महीने के लिए, 12 मंथ्स के लिए। तो ये 48 हो गया, ये 60 हो गया, ये 54 हो गया, ये आपका क्या प्रॉफिट का रेशो, इसको कैंसिल आउट किया, 8:10:9 इनका प्रॉफिट का रेशो आ गया। टोटल प्रॉफिट कितना है, 27 तीनों का मिला के रेशो में, और एक्चुअल कितना है, 60,000। तो 27 यूनिट की वैल्यू 60,000 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 60/27×9, तो कितनी होगी आपकी, 20,000। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन तो आपका स्टार्ट हो चुका है, बट आप ये देखो, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सीखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एबीसी इन्वेस्टेड अ बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ विद द 40, 50 and 60,000 रिस्पेक्टिवली आफ्टर 1 ईयर। समझना ध्यान से, आफ्टर 1 ईयर ए विड्रॉल 10,000 रुपीज एंड सी इन्वेस्ट 5,000। 1 साल के बाद ए ने 10,000 रुपये निकाले और सी ने 5,000 रुपये इन्वेस्ट की। आफ्टर अनदर वन ईयर वी इन्वेस्ट 15,000 रुपीज मोर एंड ए डिपॉजिट 5,000 रुपीज मोर। एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट बिटवीन ए बी सी। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। तो एक एक साल लेके चलेंगे, है ना, आपको बताओ, आपको प्रॉफिट का रेशियो पूछ रहा है। प्रॉफिट का रेशियो होता कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम होता, एक एक बंदे को लेके चलेंगे, मेरी बात समझना, एक एक बंदे को लेके चलेंगे। अगर मैं पहले ए को लेके चलता हूँ, ए ने शुरू में कितने लगाए थे, 40,000, 40K मान लेता हूँ, इसका पैसा पहले साल तो पूरे 1 साल लगा प्लस, अच्छा 1 साल बाद इसने क्या किया, 10,000 रुपये विड्रॉल कर लिए थे। तो अब अगले साल इसके कितने पैसे हो गए, 30,000 पूरे 1 साल। उसके बाद इसने क्या किया था, आफ्टर 1 ईयर ए डिपॉजिट 5,000 रुपीज मोर। तो देखो अगले साल इसने क्या किया था, इसने 5,000 रुपये ऑन इन्वेस्ट किए थे, तो 35,000 हो गए इसके, फिर 35,000 हो गए फिर। अब 35,000 बच्चों इसके कितने साल लगे, पूरे 1 साल इंटू 1। तो देखो बेटा आप समझने ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर इसके 40,000 लगे, नेक्स्ट ईयर इसके 30,000 लगे, उससे नेक्स्ट ईयर इसके 35,000 लगे, तो टोटल इसका प्रॉफिट कितना बनेगा। देखो प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम होता है ना, तो मैं टाइम का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ 1 × 1, एक एक साल इंटू 1 ऐसे, तो कितना हो गया ये बेटा, 105K। अब देखो ऐसी बी को लेके चलते हैं, अब बी के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, बी के बारे में, बी ने शुरू में कितने रुपए लगाए थे, 50K। इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, आफ्टर 1 ईयर 1 साल के बाद ए ने निकाला, बी ने इन्वेस्ट किया, आफ्टर अनदर 1 ईयर बी इन्वेस्ट 15,000 रुपीज मोर। देखो बेटा बी के बारे में ये इंफॉर्मेशन है, टोटल 3 साल की कैलकुलेशन है, बी ने शुरू में 50,000 रुपये लगाए थे और 1 साल के बाद उसने कुछ नहीं किया और अगले साल के बाद उसने 15,000 रुपये और लगाए, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि उसके शुरू के जो 50,000 हैं पूरे 2 साल लगे रहे, 2 साल प्लस 15,000 रुपये और इन्वेस्ट किया, तो उसके जो थर्ड ईयर में कितनी कैपिटल हो गई, 65,000, वो पूरे एक साल। तो 50,000 रुपये 2 साल के लिए और 65,000 रुपये पहले और 1 साल के लिए, मतलब थर्ड ईयर के लिए, तो इसका कितना बन रहा है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कैपिटल मल्टीप्लाई है, कैपिटल ये टाइम 2 साल, पहले 2 साल और ये थर्ड ईयर है ना, तो इसका कितना बन गया, 50 का डबल 100, 1,65,000। अब सी को पकड़ते हैं, सी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन थी, सी ने शुरू में 60K लगाए, 60,000, आफ्टर 1 ईयर सी इन्वेस्ट 5,000 रुपये। तो देखो समझना, पहले जो 60,000 थे पहले वो इनने 1 साल तक लगाए,
अगले साल उसने 5,000 रुपये और लगा दिए, तो अब उसका कैपिटल कितना होगा, 65,000 के। अब आगे सी के बारे में कोई जानकारी है? आफ्टर अनदर 1 ईयर बी इन्वेस्ट ए डिपॉजिट, नहीं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सी के कैपिटल 60,000 पहले फर्स्ट ईयर के लिए, फिर उनने एक साल के बाद 5,000 रुपये और इन्वेस्ट कर दिए, तो 65,000 अगले 2 साल के लिए। तो सी के टोटल प्रॉफिट कितना बन गया बच्चों, समझना, 65 का डबल 130, 190। के तो ये इनके प्रॉफिट का रेशो आ गया, और यही आपसे पूछ रहा था, ए बी सी इनके प्रॉफिट का रेशो निकालना। तो इसका प्रॉफिट हो गया 105 के रेशो, इसका प्रॉफिट हो गया 165 के रेशो, इसका प्रॉफिट हो गया 190 के। अब इनके प्रॉफिट का रेशो कितना हो गया, इनके प्रॉफिट का रेशो कितना हो गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखो के से के कैंसिल आउट हो ही रहा है आपका, 5 के टेबल से 21, 5 के टेबल से 33 और 5 के टेबल से 3 और 8, तो रेशो हो गया इनका 21:33:38। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं मानता हूँ कहीं मिलेगा, तो बहुत ही आराम से। देखो देखो टोटल कितने साल का कैलकुलेशन है मुझे बताओ, इस पूरे साल में टोटल टाइम कितना दिया हुआ, 3 साल। तो आपको 3 साल तक जाना है, चाहे मैं ए की बात करूं, चाहे मैं बी की बात करूं, चाहे मैं सी की बात करूं, सबको एक एक 3-3 साल तक जाना है। तो ए ने क्या करा, पहले साल 40,000 रुपये इन्वेस्ट किए, अगले साल 30 इन्वेस्ट किए, अगले साल 35, 5,000 रुपये बढ़ा दिए थे उसने, तो टोटल इसका आ गया 105 के। बी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन थी कि पहले 2 साल तो उसके 50,000 लगे रहे, लेकिन नेक्स्ट ईयर उसने 15,000 रुपीज़ और इन्वेस्ट किए, तो 50,000 फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स एंड 65,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो टोटल इसका कितना हो गया, 165 के। सी के बारे में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन थी कि शुरू में जो उसके 60,000 थे वो ओनली फॉर फर्स्ट फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए, फिर उसने 5,000 और इन्वेस्ट किया था, और थर्ड ईयर में उसने कुछ नहीं किया, ना निकाला, ना विड्रॉल किया, ना डिपॉजिट किया। तो कहना इससे 60,000 फॉर फर्स्ट ईयर एंड 65,000 फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, तो व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ सी, 190 के। तो आपने रेशो बना लिया, आपका आंसर आ गया 21:33:38। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, इसको आप क्या करेंगे, एक बार नोट डाउन करेंगे, एक बार आप इसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी क्विक। नेक्स्ट, ओहो कितना बेहतरीन प्रश्न है, जरा देखते हैं, घबराना नहीं है बिल्कुल भी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी, क्या बोल रहा है, सैम एंड सुरेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 5,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली, आफ्टर 2 मंथ्स सेम टेक्स आउट 2,000 रुपीज फ्रॉम हिज कैपिटल, 2 महीने के बाद सेम ने 2,000 रुपये निकाल लिए, आफ्टर 1 मोर मंथ अगले 1 महीने के बाद सुरेश टेक्स आउट 2,000 रुपीज फॉर हिज कैपिटल, वाइल सुनील ज्वाइन डैम विद द कैपिटल ऑफ 60,000 एट द 9th एंड द एंड ऑफ द 9th मंथ फ्रॉम द स्टार्ट दे अर्न अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 4,920 रुपीज, फाइंड द फॉलोइंग द शेयर ऑफ ईच मेंबर रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट। देखो बेटा सबसे पहले ये बताओ कैलकुलेशन कितने महीने की, कैलकुलेशन टोटल टाइम कितना दिया और कैलकुलेशन कितने महीने के, 9 मंथ्स की, तो हमें 9 मंथ तक जाना है, 9 मंथ तक जाना है बेटा, ठीक है। अब जरा एक एक करके एक एक बंदे को पकड़ के चलते हैं। अगर मैं पहले सैम को पकड़ता हूँ, सैम को, सैम ने शुरू में कितने रुपए लगाए थे, 5,000, 5K। 2 महीने के बाद उसने क्या करा बच्चे, 2,000 रुपये निकाल लिए, 2 महीने का 2,000 रुपये निकाल लिए, आफ्टर 1 मोर मंथ सुरेश। देखो इसका मतलब सैम के बारे में एक ही इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि सैम ने 2,000 रुपये 2 महीने के बाद निकाले, बोलो हाँ या ना, और उसके बाद सैम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो टोटल महीने कितने हैं, 9 महीने। तो मैं ये कह सकता हूँ कि शुरू में जो 5,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए थे वो पूरे 2 महीने लगे रहे,
और जब 2,000 रुपये निकाल लिए तो आप उसके पास कितनी कैपिटल है, 13,000, वो अगले 7 मंथ्स, अगले 7 मंथ्स। वाई 7 मंथ्स, कोई कैलकुलेशन 9 मंथ्स की है, तो 2 मंथ्स प्लस 7 मंथ्स इक्वल टू 9 मंथ्स। ये हो गया आपका 7 × 21, 5 × 2 = 10, 31 के, ये हो गया सेम का प्रॉफिट। अब बात करता हूँ सुरेश की। सुरेश ने शुरू में कितने लगाए थे, 3K। अब सुरेश के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, देखो आफ्टर 2 मंथ्स सेम टेक्स आउट 2,000 रुपीज़ फ्रॉम हिज कैपिटल, आफ्टर 1 मोर मंथ सुरेश टेक आउट 2,000 रुपीज़ फ्रॉम हिज कैपिटल। समझो बेटा, 2 महीने के बाद सैम ने पैसा निकाला था, उसके 1 महीने के बाद सुरेश ने पैसा निकाला, तो मैं ये कह सकता हूँ सुरेश ने 3 महीने के बाद पैसा निकाला। सुरेश ने 3 महीने के बाद पैसा निकाला सैम के निकालने के बाद, उसके 1 महीने बाद, तो सैम ने 2 महीने के बाद निकाला था और सुरेश ने उसके 1 महीने के बाद, तो सुरेश ने 3 महीने के बाद पैसा निकाला, कितने 1,000, 2,000। तो मैं ये कह सकता हूँ सुरेश के जो 3,000 थे, 3,000 थे, वो पहले 3 महीने लगे रहे, जब 2,000 रुपये निकाल लिया तो 1K बचा, वो कितने महीने लगे रहे होंगे, 3 महीने तो हो चुके हैं, टोटल 9 महीने, 6 मंथ, तो ये कितना हो गया बेटा, 9 और 6, 9 और 6, 15K। और अब कौन आता, सुनील, अब आ जाता सुनील, और सुनील सुनील कब आता है बेटा, सुन लो, जैसे सुरेश ने 2,000 रुपीज निकालता है सुनील तभी आ जाता है, सुनील जब आता है, सुनील कब आता है, आफ्टर 3 मंथ्स, सुनील कब आता है, आफ्टर 3 मंथ्स आता है सुनील बिजनेस को ज्वाइन करने। तो सुनील कितने रुपए लेके आया, 6K। तो सुनील के जो 6K हैं वो कितने महीने लगे रहेंगे, 6 मंथ, ये हो गए 36K। तो अगर मैं बात करूं बेटा सैम रेशो सुरेश रेशो और सुनील, इनका अगर मैं प्रॉफिट का रेशो निकालना चाहूं तो 31K रेशो 15K रेशो 36K, तो ये तो किसी से कैंसिल आउट होगा नहीं, 31, 15 और 36, क्योंकि 31 एक प्राइम नंबर है तो रेशियो तो यही फाइनल बनेगा। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ रेशियो में कितना, जरा जोड़ना इसको आप, 6, 5, 11 और 1, 12, कैरी 1, 3 और 3 और 1, 4, 4 और 3, 7, 7 और 1, 8, टोटल प्रॉफिट कितना है, 82। टोटल प्रॉफिट कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 82। समझ में आ रहा है, 6 और 5, 11 और 1, 12, कैरी 1, 3, 2, 6, 7, 82। अच्छा टोटल प्रॉफिट यहाँ कितना है, 4,920। अब इसको कैंसिल आउट करना है मेरे को, तो कैन आई से फ्रेंड्स, कैन आई से 82 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 4,920 के। अगर मैं 2 के टेबल का यूज़ करता हूँ तो ये 41, और 2 के टेबल का यूज़ करता हूँ ये 2,460। तो साफ साफ दिख रहा है बेटा ये 6 बार कट रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 60। आपको सबका प्रॉफिट निकालना है, निकाल दो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं सैम का प्रॉफिट निकालता हूँ, सैम का तो 31:60, बोलो प्यारे बच्चों, 1860। अगर मैं सुरेश का निकालता हूँ, सुरेश का, तो सुरेश का प्रॉफिट कितना है, 15, तो 15 × 60, 15×6 = 90, 900। और अगर मैं सुनील का निकालता हूँ, सुनील का कितना है, 36, 36 × 60, 2160। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मजा आ रहा है बच्चों, देख रहे हो ना कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, आपका पार्टनरशिप के बेहतरीन क्वेश्चन मैं आज लेके आऊँगा आपके लिए, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो सीधे सीधे हो सकता है, थोड़ा घुमावदार पार्टनरशिप के क्वेश्चन से। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको सिखाया है, बस प्रॉफिट का रेशो बना लिया आपने, मेन चीज़ आपको ये कैलकुलेशन थी। आपको करनी थी, समझ में आया प्यारे बच्चों,
ठीक है, नोट कर लीजिए इसको फटाफट क्विक। नेक्स्ट इसको सीखते हैं जरा। एम स्टार्टेड अ बिजनेस विथ 25,000 रुपीज एंड ज्वाइंट हिम। अच्छा पहले एम की बात कर रहा है, एंड ज्वाइंट हिम फोर मंथ्स आफ्टर 4 मंथ्स विथ 20,000 रुपीज। आफ्टर 2 मोर मंथ्स एम विदड्रॉल 10,000 रुपीज फॉर इज कैपिटल। ठीक है, 2 मोर मंथ्स लेटर एंड ब्रॉट इन 10,000 रुपीज मोर। ठीक है, समझ में आ रही है बात। व्हाट शुड बी द रेशो, व्हाट शुड बी द रेशो, व्हाट शुड बी द रेशो इन विच दे शुड शेयर देयर प्रॉफिट। देखो बेटा समझना, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखो कैलकुलेशन के बारे में। यहाँ पर टोटल टाइम हम लोग कितना कंसिडर करेंगे, 1 साल मतलब 12 महीने। ठीक है, चलिए पहले मैं एम को पकड़ता हूँ। एम ने शुरू में 25,000 रुपये लगाए थे। अब एम के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, पहले एम को पकड़ते हैं हम। एम ने शुरू में 25,000 रुपये लगाए थे, ठीक है। 4 महीने के बाद एन आया, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर 2 मोर मंथ्स एम विड्रॉल 10,000 रुपीज फॉर इज कैपिटल। समझना, जब एन आया उसके दो महीने के बाद एम ने 10,000 रुपीज विड्रॉल किया। एन कब आया था, एन फॉर नंद, मान लीजिए नंद कब आया था, 4 महीने के बाद। उसके अगले 2 महीने के बाद एम ने 10,000 रुपीज विड्रॉल किया। इसका मतलब क्या है, एम ने जो 10,000 रुपीज विड्रॉल किया है वो 6 महीने के बाद किया है। बोलो हाँ या ना, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एम का 25,000 6 मंथ तक लगा रहा शुरू में, प्लस जब 10,000 उसने विड्रॉल कर लिया तो कितना बचा, 15,000 वो अगले 6 मंथ लगा रहा। बोलो तो टोटल इसका कैपिटल कितना होगा, 25 × 150 और 15 × 90, 190 हो गया आपका 240, 240 के। अब बात करते हैं एन की। 4 महीने के बाद एन आया था 20,000 रुपीज लेके, कोई दिक्कत नहीं। 4 महीने के बाद, पहली बात तो इसका जो 20K है 4 महीने के बाद आया तो 8 महीने का बचा पैसा। दो टू मोर मंथ्स एम विदड्रॉल एंड 2 मोर मंथ्स लेटर एंड ब्रॉट 10,000 रुपीज बोर। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, 4 महीने के बाद आया था एन 20,000 रुपीज लेकर। उसके अगले 2 महीने के बाद एन ने पैसा निकाला और उसके अगले 2 महीने के बाद एन ने 10,000 रुपये और ब्रॉट किए। इसका मतलब क्या सोच रहे हो, इसका मतलब क्या सोच रहे हो, ये बताओ। एन के पास कितना कितना टाइम था, एन के जो 20,000 थे कितने टाइम के लिए लगे, लगेंगे वैसे, 8 महीने के बाद, 8 महीने तक लगेंगे क्योंकि 4 महीने के बाद आया। अब दोनों 2 महीने के बाद एम ने पैसा निकाला, उसके अगले 2 महीने के बाद एन ने और पैसा डाला, तो मैं ये कह सकता हूँ एन के जो 20,000 थे वो 4 मंथ्स तक तो लगेंगे लगेंगे शुरू में, क्योंकि क्योंकि 2 महीने के बाद तो एम पैसा निकाल रहा है। उसके अगले 2 महीने के बाद एन ने 10,000 रुपीज और ब्रॉड किए, मतलब एन ने अपनी कैपिटल और बढ़ा दी। कितनी हो गई एन की कैपिटल, 30,000। वो कितने महीने के लिए भाई, एन का पैसा टोटल 8 महीने लगेगा क्योंकि 4 महीने के बाद तो व्यापार को ज्वाइन किया है। कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 120, 80, ये हो जाएगा 200K।
और जब आप इसको सॉल्व करोगे, रेशियो बनाओगे ना प्रॉफिट का, प्रॉफिट रेशियो तो पूछ रहा है, एम का और एन का प्रॉफिट रेशियो तो पूछ रहा है आपसे। तो 240 के रेशियो 200 के, तो प्रॉफिट रेशियो कितना हो गया, 5:6, सॉरी 6:5, 6:5 इसका प्रॉफिट रेशियो हो गया आपका। नन ऑफ दिस इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं, समझ में आया या नहीं बच्चे, इसको समझ लो जरा, एन वाले को समझ लो। एन कब ज्वाइन किया है, 20,000 रुपीज़ लेकर आफ्टर 4 मंथ्स, तो टोटल कैलकुलेशन 12 मंथ्स की है। तो इसका मतलब अगर एन, अगर आपने 20,000 रुपीज़ लेके आया तो मैक्सिमम एन का, एन का जो 20,000 है मैक्सिमम 8 मंथ्स, 8 मंथ्स तक लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन अपने आने के बाद जब एन ज्वाइन किया उसके 4 महीने के बाद उसने 10,000 रुपये और ब्रॉड कर लिए, ब्रॉड करना और उन्हें डाल दिए। तो मैं कहता था शुरू में जो उसके 20,000 रुपीज़ थे वो 4 मंथ्स तक लगे रहे, बोलो बेटा, प्लस 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 10,000 रुपीज़ और इन्वेस्ट करा नेक्स्ट 4 मंथ्स, तो ये हो जाएगा 80 के, ये हो जाएगा 1 4 12 120 के, टोटल हो जाएगा 200 के, ये 240 के, 240 के एंड 200 के, तो रेशो कितना हो गया, रेशो कितना हो गया, 6, रेशो कितना हो गया, 5, 6:5 हो गया रेशो। ठीक है, अब देखो बेटा क्या इसका आंसर नन ऑफ दिस होगा, नहीं होगा, पूछो क्यों। आपसे ये नहीं बोला गया है व्हाट शुड बी द रेशियो डेट शेयर दे, आपको ये नहीं बोला है कि आपको रेशियो एम टू एन निकालना है या आपको रेशियो एन टू एम निकालना है, ये तो नहीं बोला ना आपको। तो रेशियो 6:5 भी करेक्ट है या फिर आंसर 5:6 भी करेक्ट है, आपको रेशियो ये नहीं बोला ना कि आपको एम इंटू एन निकालना है या फिर एन इंटू एम निकालना है, ये तो नहीं बोला ना। तो रेशियो 6:5 भी करेक्ट है, 5:6 भी करेक्ट है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया बच्चों, आपका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, एम एंड एन इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन विच एम इन्वेस्ट 240 रुपीज मोर देन एन। ठीक है, ठीक है, एन इन्वेस्ट 6 मंथ वाइल बी इन्वेस्ट 4 मंथ्स। ठीक है, एम गेट 200 रुपीज मोर देन एन आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट। देखो बेटा समझना बड़े ध्यान से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। देखो बेटा समझना, अगर मैं कैपिटल की बात करता हूँ, कैपिटल की, तो एम का कैपिटल कितना एक्स्ट्रा है एन से, 250 रुपीज़। तो मैं ये मान लेता हूँ लेट कैपिटल ऑफ एन इक्वल टू एक्स रुपीज, बोलो बेटा, देन कैपिटल ऑफ एम कितना, एम एक्स प्लस 250 रुपीज़, इट्स क्वाइट टू बी वेरी इजी, है ना। अच्छा, जो एन का टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है सबको 6 मंथ, और जो एम का टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 4 मंथ्स दिया हुआ है ना, और आपको ये दिया हुआ है जो एम का जो प्रॉफिट है वो 200 रुपीज़ ज़्यादा है एन से, टोटल प्रॉफिट कितना है। देखो बेटा क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि एम और एन का टोटल प्रॉफिट है 1,000 रुपये, और जिसमें एम और एन के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना दिया हुआ, 200 रुपीज़। तो यहाँ से मैं 2m की वैल्यू हो जाएगी 1,200, m की वैल्यू हो जाएगी 600। तो मैं ये कह सकता हूँ m का प्रॉफिट 600 रुपये दिया हुआ है, तो n का प्रॉफिट कितना होगा, 400 रुपये, बोलो हाँ या ना। तो आप अच्छी तरह, सब चीज़ आपके सामने बचा गया, आप अच्छी तरह जानते हो कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम बराबर प्रॉफिट का रेशियो होता है, और अच्छी तरह जानते हो ना आप, तो कुछ नहीं करना। देखो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन इट्स क्वाइट टू बी वेरी इजी बच्चों। देखो ऊपर लिख रहा हूँ एन, नीचे लिख रहा हूँ एम। अच्छा एन का कैपिटल कितना एक्स, और एम का कैपिटल कितना एक्स प्लस 250, बोलो क्लियर है। एन कितने मंथ्स के लिए पैसा लगा रहा है, 6 मंथ के लिए, और एम कितने मंथ्स के लिए पैसा लगा रहा है, 4 मंथ्स के लिए, बोलो हाँ या ना। तो ये क्या आएगा आपका, कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम, कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम, और इन दोनों का प्रॉफिट, इनका
ये प्रॉफिट आएगा ना आपका, कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम, कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम, ये प्रॉफिट आएगा ना बेटा। और प्रॉफिट कितना है, एन का 400 और एम का 600। ऐसे कर दो सॉल्व, कर दो सॉल्व बच्चों जी, यही तो कर रहा हूं मैं, कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम बराबर प्रॉफिट, यही तो कर रहा हूं मैं, कर दो सॉल्व, कर दो सॉल्व। 3 टाइम्स 2 टाइम्स, बोलो बेटा 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 9x इक्वल टू 4, 4 का गुणा करेंगे 4x प्लस 1000, 5x इक्वल टू 1000, x की वैल्यू हो गई 200। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन देख लो, फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्ट इन द बिजनेस, टोटल अमाउंट पूछ रहा है, टोटल अमाउंट पूछ रहा है। तो x ने, n ने कितने रुपए लगाए हैं, x x लगाए हैं, x x की वैल्यू 200 रुपीज़, और एम ने कितने लगाए, 250 ज़्यादा, तो 250 प्लस 200 450 रुपीज़, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 650 रुपीज़। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। अच्छा इसको आपको रेशो से भी मैं सिखा सकता हूँ, रेशो से कहते हैं, देखो रेशो से भी इसको दूसरे तरीके से सिखा सकता हूँ, या आप इसको ऐसे कर सकते हो या आप इसको ऐसे कर सकते हो। देखो आंसर 650 आंसर है। अब देखो रेशो से कैसे करेंगे, रेशो से मैं बताता हूँ, देखो थोड़ा सा पेन चेंज कर रहा हूँ, देखो यहाँ लिखेंगे आपका एन, यहाँ लिखेंगे एम। अगर मैं इनके टाइम के बारे में बात, टाइम का रेशो इनका कितना है, एन का पैसा लगा रहा 6 मंथ और बी एम का लगा रहा 4 मंथ्स, तो इनका टाइम का रेशो हो गया 3:2। अच्छा इनके प्रॉफिट का रेशो कितना, प्रॉफिट का तो यहाँ पे हमने निकाला था, एम का प्रॉफिट 600 रुपये आया था और एन का प्रॉफिट 400 रुपये था, तो इनका प्रॉफिट का रेशो कितना है, 2:3, बोलो हाँ या ना। एम का, एन का 2 और एम का 3। अच्छा टाइम का रेशो आपके सामने, प्रॉफिट का रेशो आपके सामने, कि आप इससे कैपिटल का रेशो निकाल सकते हो, कैपिटल का कैसे ये बताओ। जब कैपिटल इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल का रेशो क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन टाइम होगा नहीं होगा बताओ, तो प्रॉफिट ऊपर टाइम नीचे 2/3 3/2, बोलो तो कैपिटल का रेशो कितना हो गया यहाँ पर 4:9, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल कैपिटल कितने हो गए 13, एन का कैपिटल 4 आ गया रेशो में और एम का कैपिटल 9 आ गया। अच्छा इन दोनों के कैपिटल में कितने का डिफरेंस था, 250, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पर रेशो में कितने का डिफरेंस है इनके कैपिटल में, रेशो में 5 का, 5 यूनिट की वैल्यू 250, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50, बोलो बेटा, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी, 50 गुणा करेंगे 650। ऐसे भी आप कर सकते हो, रेशो से भी कर सकते हो, मल्टीपल ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, मल्टीपल ऑप्शन आपके सामने है प्यारे बच्चों, क्लियर है बात, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पी क्यू आर एंड 3 पार्टनर्स, पी ने पैसा 4 मंथ्स के लिए लगाया और कितना क्लेम कर रहा है, 1/8 ऑफ द टोटल प्रॉफिट, ठीक है। क्यू ने पैसा लगाया 6 मंथ के लिए और कितना क्लेम कर रहा है, 1/3 ऑफ द प्रॉफिट, और आर ने कितना इन्वेस्ट किया, 560 रुपीज़, और कितना इन्वेस्ट और कितना टाइम के लिए, 8 मंथ्स के लिए। बेटा एक चीज़ बता दो बस मुझे, यहाँ पे 3 पार्टनर है, पी क्यू और आर, इनका टाइम के बारे में तो जानकारी दे रखी है ना आपको, टाइम के बारे में पी का 4 महीने टाइम दिया हुआ है, क्यू का दिया हुआ है 6 महीने और आर का दिया हुआ है 8 महीने, तो इनका टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, टाइम का रेशो 2:3:4। अब बात करता हूँ प्रॉफिट के रेशो की, देखो बेटा, अच्छा पी कितना क्लेम कर रहा है, 1/8, और क्यू कितना क्लेम कर रहा है, 1/3, तो टोटल प्रॉफिट को लेट कर लेते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट मान लेता हूँ 24, 24 क्यों, 8 और 3 का मल्टीपल, 24 क्यों, 8 और 3 का मल्टीपल, तो 24 का यहाँ गुणा, 24 का यहाँ गुणा, तो पी का प्रॉफिट कितना होगा 3 रुपये और क्यू का प्रॉफिट कितना होगा 8 रुपये। एक चीज़ बताओ,
अगर टोटल प्रॉफिट 24 रुपये माना है आपने, जिसमें पी का 3 रुपये है, क्योंकि देखो 24 का एक, देखो टोटल प्रॉफिट 24 रुपये मैंने लेट कर लिया, पी कितना क्लेम कर रहा है 1/8 ना, तो 24 का 1/8 करेंगे 3 रुपये आएगा। क्यू कितना क्लेम कर रहा है 1/3, 24 का 1/3 करेंगे 8 आएगा। तो ये बताओ आर पे कितना बचेगा, आर पे कितना बचेगा, देखो 3 रुपये, 8 रुपये, 11 रुपये तो इन दोनों पे चले गए, 11 रुपये, तो आर पे कितना बचेगा 13। तो पी क्यू आर का प्रॉफिट आ गया 3:8:13। बोलो बोलो बच्चों। अब कैपिटल के, इससे पहले हमने कैपिटल का रेशियो निकाला था, क्या किया था हमने, कैपिटल बराबर क्या होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो यहां भी तो हम कैपिटल का रेशियो निकाल सकते हैं, कैपिटल का प्रॉफिट अपॉन टाइम करते हुए, प्रॉफिट अपॉन टाइम 3:2:8:3 13:4 है ना। अब अगर इसका कैपिटल का रेशियो बनाओगे तो देखो 2, 3, 4 का अगर आप एलसीएम लोगे, 12 12 का गुणा कर दो सब में दबा के, 12 12 का। तो देखो पी क्यू और आर इनके कैपिटल का रेशियो पता क्या बन जाएगा, 18 तो इसका बन गया 18, 32 इसका बन गया, ठीक है, और 13 तिया 39 इसका बन गया 39। कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने कैलकुलेशन, 8 चौक 32, 6 तिया 18, 39, ठीक है प्यारे बच्चों 39। अब ये बताओ आर का कैपिटल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 1560, और आर का कैपिटल यहाँ कितना 39, तो 39 की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1560 को, कितना गुना 40। तो पी की कैपिटल कितनी हो जाएगी 40 करेंगे तो 720, और इसका 40 का गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी आपकी 1280। तो यही दोनों आपके क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बच्चों क्या ए इज करेक्ट, समझ में आया। देखो ये पहले जैसा क्वेश्चन था, टाइम का रेशियो गिवन, प्रॉफिट का रेशियो गिवन नहीं, आपने बनाया प्रॉफिट को लेट करते हुए, टाइम के रेशियो और प्रॉफिट के रेशियो से कैपिटल का रेशियो आ गया, कैपिटल का रेशियो कैसे आता है प्रॉफिट अपॉन टाइम करते हुए, डिवाइड कर दिया 3/2, 8/3, 13/4 डिवाइड कर दिया, रेशियो को ठीक किया, आपका रेशियो आया 18, 32 और 39, ठीक है। उसके बाद आपने बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व किया, समझ में आया प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को क्लियर होगी बात है, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन और है क्या, वो भी कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों समझना बड़े ध्यान से। प्रभु इनिशिएट हिज बिजनेस बाय 1/2 ऑफ टोटल कैपिटल फॉर 1/टाइम, 1/4 ऑफ टाइम, हिज ब्रदर इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर 1/2 ऑफ द टाइम, एंड प्रभुज फ्रेंड तरुण इन्वेस्ट द रिमेनिंग कैपिटल फॉर द होल टाइम, फाइंड द शेयर ऑफ द तरुण इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ 1:2100। देखो कितना सिंपल है, तीन फ्रेंड हैं आपके पास, प्रभु, सनी एस और तरुण। प्रभु कितना इन्वेस्ट करता है, 1/2 कैपिटल फॉर 1/4 टाइम, गुणा कर दिया आपस में कैपिटल इंटू टाइम का। ब्रदर कितना करता है, 1/3 × 1/2 गुणा कर दिए। अच्छा तरुण कितना करता है, तरुण कितना करता है रिमेनिंग कैपिटल। बेटा एक चीज बताओ, प्रभु ने तरुण की कैपिटल कैसे आएगी, तरुण की कैपिटल कैसे आएगी बताओ, वन में से कितना माइनस करोगे, प्रभु ने 1/2 कैपिटल इन्वेस्ट करी है और सनी ने कितनी करी है 1/3, वन में से माइनस करोगे नहीं करोगे, 1 − 1/2 − 1/3, तो ये इसको ये हो जाएगा आपका 5/6, 5/6, 5/6, 1 − 5/6 ये बनेगा 1/6। तो तरुण का कैपिटल कितना होगा 1/6 रिमेनिंग कैपिटल, और कितने समय के लिए, होल समय के लिए इनटू वन। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, दैट इज 1/8, दैट इज 1/6, दैट इज 1/6। तो आप क्या करो, आप क्या करो, इसको हटाने के लिए एलसीएम ले लो, 24 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इनका प्रॉफिट का रेशियो कितना आया बेटा यहाँ पर 3:4:4, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 11। ये प्रभु का आया, ये सनी का आया, ये तरुण का आया, तो 11 की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1,21,000। आप जानते हैं 11 का स्क्वायर होता है 11,000, किसका निकालना, तरुण का 11,000।
44,000 रुपये तरुण का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। दोबारा सीख लेते हैं। ये बताओ प्रभु ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, प्रभु ने 1/2 और सनी ने कितना किया 1/3, इन दोनों ने मिलके कितना किया 5/6, तो तरुण के पास कितना कैपिटल आएगा, तरुण का कैपिटल कितना होगा, तरुण कैपिटल कितना होगा बताओ, 1 - 5/6, तरुण का कैपिटल कितना होगा 1/6, 1/6 कितने समय के लिए, फॉर द होल टाइम, होल टाइम का मतलब इनटू वन। बेटा यहां पर सारा फ्रैक्शन में आ रहा है, तो यहां पर टोटल कैपिटल हमने वन मानी है और टोटल टाइम भी हमने कितना माना है, वन माना है, ठीक है। तो ये 1/2 कैपिटल 1/4 समय के लिए, 1/3 कैपिटल 1/2 समय के लिए, ये रिमेनिंग कैपिटल। रिमेनिंग कैसे निकाला, ऐसे एक में से इन दोनों को जोड़ के घटा दिया, तो रिमेनिंग कैपिटल कितना आया, यहां पर सॉल्व करेंगे 1/6, तो 1/6 रिमेनिंग कैपिटल फॉर द होल टाइम इनटू 1। तो रेशो बनाएंगे, प्रॉफिट का रेशो बनेगा 3:4:4, प्रभु का प्रॉफिट 3, सनी का प्रॉफिट 4, तरुण का प्रॉफिट 4, टोटल प्रॉफिट हो गया 11। 11 की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 121,000 को। तो 11 = 121,000, कितना, 1 बराबर कितना 11,000, तो 4 बराबर कितना 44,000, तो आपका आंसर हो गया 44,000, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपका आज के लिए इतना ही काफ़ी रखता हूँ मैं, बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन कराए हैं और यही पार्टनरशिप का लास्ट पार्ट था आपका, इसके ऊपर पार्टनरशिप के क्वेश्चन आने ही नहीं वाले बेटा, ये आज मैं अच्छे क्वेश्चन लेके आया था आपके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। जो बच्चे पहली बार पार्ट टू को देख रहे हैं तो प्लीज़ पार्ट वन को जरूर देखिए, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए बेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना काफ़ी रखता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द सेशन। ये आपका, ये देख लीजिए लॉकडाउन स्पेशल फ्लैट 25% ऑफ है, मैंने आपको पहले भी रिपीट किया था, अभी भी रिपीट करता हूँ, फ्लैट 25% ऑफ है, कोड लगा देंगे U195, ये वाला कोड भी लगा सकते हैं, आपको तो डिस्काउंट किसी में भी मिल जाएगा LD25। कुछ भी चीज़ परचेज करनी है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं, मापैक्स लाइव क्लासेस ओवरऑल, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना काफ़ी रखता हूँ, थैंक यू सो मच बच्चों फॉर टेकिंग द सेशन। वीडियो को प्यार करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, प्रोत्साहन दीजिएगा लाइक करके, जिससे कि मैं आगे कंटिन्यू वीडियो को बना पाऊँगा आपके लिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल दी बेस्ट गाइस।